वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम आप 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में कर चुके हो बेटे, ठीक है। और मैंने वो वीडियो बहुत डिटेल में बनाई थी, एक एक चीज को ध्यान से समझाया था। अगर आपको इस क्वेश्चन के डिटेल में जाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अब मैं फिर भी इसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे करूंगा। देखिए बेटा, परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं? उन्होंने बोला ये जो नंबर है, आप मुझे बताओ कि कौन से परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, जिनके बारे में आप श्योरिटी से कह सकते हो नहीं भाई ये तो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो पहले परफेक्ट स्क्वेयर पता तो होना चाहिए, होते क्या है। देखो बेटा, जैसे 1 का स्क्वेयर मैंने किया, क्या आया आंसर? 1 मल्टीप्लाई 1। 2 का स्क्वेयर करें तो कैसे आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 4। 4 का स्क्वेयर करूं तो 4 मल्टीप्लाई, तो ये जो आंसर आ रहे हैं ना मेरे 1 4 16 9, ये सब परफेक्ट स्क्वेयर कहलाते हैं। क्यों कहते हैं इनको हम परफेक्ट स्क्वेयर? क्योंकि जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वेयर है, क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई नंबर ऐसा है जिसका मैं स्क्वेयर कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, ठीक है। आप मुझे बता दो 5, कोई भी नंबर बता दो जिसका मैं स्क्वेयर करूं और 5 आ जाए। 9 है, 9 तो आता है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 का स्क्वेयर करने पे आता है 9, यानी 9 आने के लिए भी कोई ना कोई नंबर बना हुआ है जिसका स्क्वेयर करके 9 आता है। 5 नहीं आता तो 5 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वेयर कौन कौन से नहीं होते, उसके लिए 2 रूल्स को आपने माइंड में याद रखना है। जब भी कोई नंबर के यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस ये होता है ना, यूनिट प्लेस राइट वाला, उसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाई थी, यही नंबर क्यों है और नंबर क्यों नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम हो और अगर देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। 2 3 7 8, तो 3 आ गया, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं 3 आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, चाहे कुछ भी आगे पीछे नंबर लिखा हो, बड़ा हो छोटा हो, बस ये देखना है हमें इट्स यूनिट डिजिट इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस दैट्स इट। इसका यूनिट प्लेस बताना 7, हमारी लिस्ट में आके भी 7 आ गया, बस इट्स यूनिट डिजिट इज 7, देयरफॉर इट इज नॉट अ, बस इतना सा ही लिखना है, ये नंबर चेक करने हैं। बस एक सेकंड रूल ध्यान दो, बस अभी ये आ गया 0, 0 वाला में तो मैंने यहां लिखा नहीं हुआ, तो 0 के लिए एक स्पेशल चेक होता है, स्पेशल तरीके से चेक करना होता है। कैसे? इसकी जीरोस काउंट करनी होती है राइट में। 0 कितनी है? 10 है ना, 1 कितनी 0 है? 1, 1 एक ऑड नंबर है, आपको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। इधर कितनी 0 नजर आ रही है? 1 10, यानी ऑड 0 है, क्लियर। तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लिख दिया इट हैज ऑड नंबर ऑफ 0 एट द एंड, लास्ट में, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा मुझे कोई बोले 6 4 3 3 पे, अब देखो 1 2 3, 3 0s हैं, 3 तो ऑड नंबर होता है, क्लियर, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियर। अब कोई बच्चा मुझसे एक चीज पूछे कि भाई मान लो 2 1 3 6, अब उसका यूनिट प्लेस चेक किया, हमने बोला सर ये होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो नहीं है सर, 6 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो कमेंट, नो कमेंट। यानी जरूरी नहीं है कि इनके अलावा अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आ जाए तो हम उसको कह दें नहीं जी ये तो परफेक्ट है, क्योंकि ये वाले नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं, ये परफेक्ट वाले होते हैं, नहीं, ठीक है। अब देखो एक मिनट, 36 है, ये 6 × 6 करके आता है, समझ आई आपको? क्यों? इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर होता है, 36, 6 × 6, क्लियर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका यूनिट प्लेस 6 है। लेकिन हर नंबर के जब भी 6 आएगा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नो, देखना जरा 26, बताना मुझे कोई नंबर जिसको मैं स्क्वायर करूं और 26 आ जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या कहना चाहता हूं कि यूनिट प्लेस देखकर ये तो बताया जा सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 है नहीं है, 7 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, क्लियर। कैसे करना पड़ता है? इनको चेक करना पड़ता है, ठीक है। कमिंग जो एक्सरसाइज और जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप ये सब चीजें सीखेंगे, ठीक है बेटा। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी टॉपिक था। बाकी कनेक्ट रहिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।